फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप क्लीनर ऐप और व्हाट्सएप सेवर ऐप कैसे क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योर सुपर हीरो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का डेमो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्प्लैश स्क्रीन ओपन होता है। फिर यहाँ पे अलाउ परमिशन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसका फाइल्स क्लीनर नेम का जो एप्लीकेशन है यहाँ से ओपन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शंस। सबसे पहले यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी के अंदर जितने भी इमेज होंगे सारे इमेज यहाँ पे शो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा, सारी इमेज यहाँ पे शो हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर रिसीव्ड फाइल, जितने भी फाइल्स जितने रिसीव किए रहेंगे व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू तो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप स्टेटस सेव के लिए ऑप्शन भी आ जाता है इसके फोर्थ वाले में, तो यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लीन भी कर सकते हैं। आपको दो फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद से कोई इमेज है या फिर जितने भी फाइल्स हैं उसको डिलीट करना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे पार्टिकुलर पार्ट को अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपली इसको रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे मैंने रिमूव कर दिया। ऊपर जितना भी फाइल्स क्लीनर्स के लिए जितने भी फाइल्स पड़े रहेंगे कि जितने MB का वो सब वहाँ पे ऊपर शो हो जाता है। और जितने शेयर किए रहेंगे वीडियोज फाइल्स ऑडियो फाइल्स एंड वॉलपेपर GIF जितने भी किए रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से शो हो जाता है इसमें। और उसके बाद से आप राइट साइड में कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो वेबसाइट का लिंक कैसे देना है हम आपको वीडियो में बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो अबाउट अस के फॉर्म में यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इसको यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद से अबाउट डेवलपर या फिर फीडबैक, तो यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। तो कहीं का भी लिंक दे सकते हैं आप, अपना खुद का भी कोई भी लिंक जो आप URL यूज करते हो आप वहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से इस एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उसका यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास जो भी वर्जन रहेगा आप उसी का यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इसका सोर्स कोड, आपको सोर्स कोड इसको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप सिंपली वहाँ पर जाकर के सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जस्ट यहाँ से इसे ओपन कर लेंगे या फिर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट फाइल, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। होने के बाद जस्ट इसको ओपन कर लेते हैं इस फाइल्स को और यहाँ पे ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे और जहाँ पे भी आपने सोर्स कोड को रखा हुआ है उसका पाथ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपने नेट को ऑन कर देना है और कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाता है प्रोजेक्ट। तो इसमें इम्पोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो जिससे कि यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसी होती है, कुछ फाइल्स होती है जो ऑनलाइन डाउनलोड करता है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे इसे डाउनलोड हो जाता है प्रॉपर। होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा इंपोर्ट हो चुका है। और उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग पे आने के बाद HTTP सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो इस पे कर देंगे प्रॉक्सी सेटिंग, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा अगर कोई एरर आता है तो प्रॉक्सी सेटिंग से रिलेटेड। और अगर कोई एरर नहीं आता है तो अच्छी बात है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक लोगो लगाया हुआ है तो लोगो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैनिफेस्ट वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ड्रावर फोल्डर के अंदर लोगो नेम से एक इमेज यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो ड्रावर फोल्डर के अंदर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम देख देते हैं logo.png नेम से मैंने यहाँ पे किया है। तो ड्रावर फोल्डर के अंदर जितने भी इमेज हम ऐड करते हैं वो सब PNG फॉर्मेट में होते हैं। अगर किसी और फॉर्मेट में रहते हैं लाइक यहाँ पे GPG फॉर्मेट रहता है तो वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, इसलिए ड्रावर फोल्डर के अंदर सब सिर्फ यहाँ पे PNG फॉर्मेट में ही एप्लीकेबल होता है कोई भी इमेज। इसके बाद से सबसे लास्ट में आ जाना है यहाँ पे build.gradle में। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और अगर कोई एरर आता है तो आपको पहले यहाँ पे इस एरर को रिमूव करना होगा, तो अभी कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जावा वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद सारी फाइल्स को जितने भी कोडिंग है सारी कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं।
और यहाँ पे नीचे वाले जाएंगे और यहाँ पे भी इसको हम देख लेंगे इसको। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसमें डिटेल्स फिल करते हैं। तो डिटेल्स फिल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आ जाना है और सबसे नीचे आ जाएंगे मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम आपको बताएंगे कैसे लिंक यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं URL मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी का URL है, अबाउट अस का यहाँ पे URL दिया हुआ है। तो आपको सिंपली आपको अपना URL यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपने अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी का कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट किया हुआ है तो उसका लिंक आपको सिंपली दे देना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे कोई भी वेबसाइट क्रिएट करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने के बाद उसका URL जस्ट यहाँ पे इंटर कर देंगे तो वहाँ पे URL यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे RES में जाएंगे और RES वाली फाइल में सारी लेआउट्स वाली फाइल यहाँ पे डेकोरेशन जितने भी किए जाते हैं वो सब लेआउट वाली फाइल से किया जाता है। इसको ओपन कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको हम देख लेते हैं। इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे कोडिंग पार्ट है और स्प्लिट पार्ट, तो दोनों पार्ट यहाँ से हम देख लेते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे जो है ऐड मूव का ऐड लगाया हुआ है, तो ऐड मूव का ऐड अभी बस टेक्स्ट ऐड लगा हुआ है, तो कुछ कैसे चेंज करना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो पहले जो बाकी सारी चेंजिंग है और बाकी सारी जो एडिटिंग है उसे हम पहले कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे एक इमेज है, इस इमेज को आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जितने भी इमेज हमने रखा हुआ है सभी सारी इमेज को मैंने ड्रावर फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ से इसको देख लेंगे ओपन करके, और कुछ चेंजिंग करना है तो इमेज को ड्रावर फोल्डर के अंदर ले जा करके चेंज कर लेंगे, तो वहाँ से चेंज हो जाता है कोई भी इमेज। और उसके बाद से लेआउट वाली फाइल का जो बाकी सारा फाइल्स हैं उसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसको ओपन किया, बाकी सारा जो लेआउट वाली फाइल है इसको भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से इमेज है तो इमेज वाले को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारी फाइल्स जो है लेआउट वाली फाइल तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद से मेनूज में आएंगे, मेनूज में जितने भी मेनू यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो ऐड यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कुछ चेंजिंग करना है जस्ट यहाँ पे कोडिंग पार्ट में आएंगे और यहाँ पे इसका जो आइकन है, आइकन चेंज करना चाहते हैं तो आइकन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जो वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा हुआ है टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे बाकी सारा जो नीचे वाला फाइल्स हैं तो नीचे वाले फाइल्स में आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे वैल्यूज में, तो वैल्यूज में आने के बाद यहाँ पे string.xml में आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन का नेम, तो एप्लीकेशन का नेम आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा जो डेवलपर का नेम है और यहाँ पे जो साइज है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो चेंजिंग करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर लीजिए। इसके बाद इसको हम यहाँ से देख लेते हैं बाकी सारा स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको देख लेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट डेवलपर, तो अबाउट डेवलपर के बारे में यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे डाउनलोड सेलेक्टेड आइटम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोगो डिजाइनर, तो लोगो डिजाइनर के जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं क्योंकि लोगो डिजाइनर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेबसाइट, तो यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL हमें यहाँ पे इंटर करना है इसलिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख दिया मैंने वेबसाइट। अब कुछ और लिखना चाहते हैं और कुछ और यहाँ पे जो भी URL पास करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटर कर देना है उसका नेम। और यहाँ पे style.xml में तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको सिंपली जाना है ऊपर, जावा वाली फाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसके पैकेज के नेम को चेंज करना है। जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो किसी भी पैकेज के नेम को कॉम के बाद या फिर कॉम वाले को भी चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्टर पे करेंगे और रीनेम पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जो पैकेज का नेम आपको ऐड करना है जस्ट यहाँ पे पैकेज का नेम लिख देंगे, क्लिक ऑन टू रिफ्लेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे जो पैकेज का नेम है यहाँ से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से इसको चेंज करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्टर पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी पैकेज का नेम आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पैकेज का नेम यहाँ से चेंज हो जाएगा। पैकेज का नेम चेंज होने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है build.gradle में, और जो आपने चेंज किया था पैकेज का नेम वही आपको यहाँ पे इंटर कर देना है एप्लीकेशन आईडी के पास। तो यहाँ पे इंटर हो गया।
और उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। पैकेज करने में यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं एक बार अपने नोट पैड पे। तो ये रहा मेरा पैकेज का नेम, ये मैंने लिखा हुआ है। आप चाहें तो फाइल्स क्लीनर लिखा हुआ है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट राइट क्लिक और उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाता है रिफ्लेक्ट यहाँ पे पैकेज का नेम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप पैकेज का नेम चेंज कर लेंगे। लोगों का नेम मैंने आपको बता दिया है, लोगों का नेम कैसे चेंज करेंगे और उसके बाद से बाकी सारा जो लिंक है, तो लिंक कैसे यहाँ पे ऐड करना है, आपको अपना खुद का एप्लीकेशन का नेम कैसे चेंज करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप्स में आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एसडीके और यहाँ पे टारगेट एसडीके। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंपाइल एसडीके वर्जन 30 दिया हुआ है और यहाँ पे मिनिमम एसडीके वर्जन 19। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं एसडीके वर्जन, तो अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जो चेंजिंग किए रहते हैं वो सब सेव हो जाता है। तो इसका एपीके का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, आप चाहें तो इसका एपीके का लिंक डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से शो हो रहा है। इसके बाद आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे टाइप कर देना है फायरबेस और यहाँ पे जाना है आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जाना है यहाँ पे गो टू कंसोल और फायरबेस के कंसोल पे आ जाना है, ऐड ऐप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नेम आप ऐड करना चाहते हैं एप्लीकेशन का नेम जस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू सेलेक्ट एन अकाउंट क्रिएट ऐप पे आपको ऐप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें JS1 फाइल एक ऐड करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट पे आ जाना है। इसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे ऐप और यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल सर्वे JS1, तो JS1 फाइल को हमें चेंज करना है अपने फायरबेस की हेल्प से। तो आपको जाना है पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद इसका जो इंटरफेस यहाँ से ओपन हो जाएगा इसका फायरबेस का कंसोल। तो मेरा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है तो एंड्रॉयड पे जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो पैकेज का नेम मैंने ऐड किया था पैकेज का नेम यहाँ से पास कर देना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो SH1 की भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देख सकते हैं फिर डाउनलोड गूगल सर्विस JS1 जस्ट इस पर क्लिक कर देना है तो JS1 फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इसको हम ओपन कर लेंगे अपने JCreator Pro से। तो JCreator Pro को कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको वहाँ से JCreator Pro को आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एडिटर है मेनली, इसको यहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद से इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे पूरे कोड को। ठीक है, कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने कोड को। तो यहाँ से पेस्ट हो गया और यहाँ पे इसे जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देते हैं, कट कर देंगे इसको। तो फिर यहाँ पे जितना भी मैंने यहाँ पे ऐड किया था, जितना चेंजिंग किया था, सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है ऐड मूव का ऐड लगाना। तो ऐड मूव का ऐड कैसे लगाना है, तो उससे पहले हम इसको बिल्ड APK जनरेट कर लेते हैं और या इसके बाद इसको हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एक बार रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कैसे करना है, आप जाना बिल्ड पे, बिल्ड APK पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बिल्ड APK जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड APK जनरेट हो गया, जस्ट यहाँ पे लोकेट पे क्लिक कर देना है और इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे इसका APK का नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इसको APK का नेम चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया, तो मोबाइल फ़ोन में लेने के बाद इसको जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसका लोगो आप देख सकते हैं, लोगो यहाँ पे मैंने चेंज किया था और लोगो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसको ओपन कर लेना है व्हाट्सएप क्लीनर ऐप को। ओपन करते हैं यहाँ पे एक स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे अलाउ परमिशन कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में जितने भी जो व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने भी इमेज होंगे, जितने फाइल्स होंगे और यहाँ पर जितने मीडिया फाइल्स होंगे वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोटोज नेम साइज के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जितने भी व्हाट्सएप से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट आए होंगे या फिर आपने सेंड किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाता है और यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्टेटस,
तो स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टेटस में जितने भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस में जितने स्टेटस लगे होंगे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टेटस तभी शो होंगे जितने आप व्हाट्सएप में जिसके भी स्टेटस होगा उसको अगर आप देखा है तो वही सारे स्टेटस यहाँ पे शो होते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप में कोई भी स्टेटस नहीं देखा है तो यहाँ पे स्टेटस शो नहीं होगा। तो पहले आपको व्हाट्सएप से स्टेटस को देखना है और उसके बाद से यहाँ पे जितने भी देखे रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से शो हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो लिंक है तो मैंने लिंक में वेबसाइट का अपने URL दिया हुआ था तो URL आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे वेबसाइट का URL यहाँ से ओपन हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी में भी मैंने अपना वेबसाइट का URL दिया था और यहाँ से ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे फीडबैक है तो फीडबैक पे मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पे मेरे जो इंस्टा का मैंने लिंक दिया हुआ था तो आप यहाँ से इंस्टा से भी मैसेज कर सकते हैं हमें और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप्स हैं यहाँ पे हमें देख सकते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया फायरबेस वाला जो पार्ट था और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे एडमोब। तो यहाँ पे हमें एडमोब का ऐड लगाना है तो जस्ट यहाँ पे एडमोब पे क्लिक कर देंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से ओपन हो जाता है। पहले आपको साइन इन कर लेना है। तो अगर आपने साइन इन नहीं किया तो पहले आपको साइन अप कर लेना है फिर साइन इन कर लेना है और यहाँ पे उसे ओपन कर लेना है। इसके बाद जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाते हैं ऐप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है मेरा तो एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे नो पे क्लिक कर देंगे जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन का नेम है तो आपको एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैंने कर दिया क्लीनर जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू या डन जो भी है डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैनर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देंगे ऐड वन और यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन की आईडी और यहाँ पे ऐड की आईडी दोनों आईडी यहाँ पे जनरेट हो गया है। जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अपने नोटपैड में आकर के। तो ये मेरी एप्लीकेशन की आईडी है। तो एक एप्लीकेशन में जितने चाहे उतने आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। सबका जो एप्लीकेशन आईडी होता है सब सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मेरा जो बैनर किया है तो हमें दो ऐड यहाँ पे क्रिएट करना है बैनर ऐड और दूसरा है इंटरशियल ऐड। तो मैंने बैनर ऐड मैंने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे जो इसकी आईडी है आईडी हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो इसको भी पहले हम लिख लेते हैं इंटरशियल ऐड को भी। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं बैनर ऐड आईडी को और सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे जस्ट डन पे क्लिक कर देंगे और एक और हमें क्रिएट करना है ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इंटरशियल ऐड इसका नेम दे देते हैं ऐड टू जस्ट क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आईडी क्रिएट हो चुकी है जस्ट इस पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो एप्लीकेशन की आईडी है दोनों सेम ही रहता है तो ऐड की आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका। बस हमें ऐड की आईडी और एप्लीकेशन की आईडी दोनों में क्रिएट करना था और उसके बाद से हमें यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप सब कुछ यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट वाले फाइल में आ जाना है। यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा डेटा के अंदर एप्लीकेशन की आईडी तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी यहाँ पे जस्ट आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है तो पेस्ट हो गया। और उसके बाद से जो बाकी सारी जो आईडी है बाकी सारी आईडी के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है। ऊपर में आपको नहीं जाना क्योंकि ऊपर में हमें कहीं ऐड नहीं करना। सिंपली आपको आ जाना है एप्लीकेशन में एप्लीकेशन वाले जावा फाइल में और यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे ऐड की आईडी पेस्ट करना है बैनर ऐड आईडी को। तो पहले आपको एप्लीकेशन की आईडी पेस्ट करना है। एप्लीकेशन की आईडी जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे application.java फाइल में। ठीक है तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट वाले में आएंगे और नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है तो यहाँ से आप इसे एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं पे ऐड तो नहीं किया गया है तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। तो वैसे यहाँ पे कोई ऐड नहीं हुआ है तो इसको हम यहाँ से रहने देंगे। और जो पैकेज का नेम है यहाँ पे इसको पहले चेंज कर देना है। जो आपने ओरिजिनल आपके पैकेज का नेम जस्ट यहाँ चेंज किया है वही आपको यहाँ पे पैकेज का नेम चेंज कर देना है। ठीक है
तो मेरा है com.due26, तो यही आपको ऐड कर देना है com.due26, और जो उसके बाद जो यहाँ पे नेम है वही आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन की टाइटल है तो टाइटल भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो जस्ट मैंने कर दिया वर्ड्स क्लीनर या फिर व्हाट्सएप क्लीनर, जो भी आप देना चाहते हैं आप इसे दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही चेंजिंग करना था, बाकी आप दे सकते हैं यहाँ पे, बाकी सब ठीक है इसमें। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आईडी यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करना है, जस्ट नीचे आएंगे और इसमें भी हमें चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं करना है। नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड किया हुआ है इंटर्शियल आईडी, तो इंटर्शियल आईडी जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ऐड की आईडी को जस्ट कॉपी इट, और उसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद इसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इन सबको आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है, फिर यहाँ पे भी है ऊपर उसके, यहाँ पे भी इसको जो मैंने कॉपी किया था वही इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। तो इसको हम यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देते हैं, इंटर्शियल एड आईडी को। और नीचे भी आप इसे देख सकते हैं, नीचे का भी जो है वही आपको यहाँ पे भी कर देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक में अगर दो ऐड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सिंपली से पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट किया और उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार, और नीचे रीड कर सकते हैं उसमें जितना भी डिस्क्रिप्शन पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कमेंट पार्ट में क्या क्या उसमें है, तो अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो बाकी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की आईडी मैंने यहाँ पे ऐड किया था इंटर्शियल ऐड आईडी, तो यहाँ पे इसको जहाँ पे जितना भी लिखा हो रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी हम कर देते हैं, ये भी इंटर्शियल आईडी है, तो एक ही जगह पे ऐड कर दिया गया है और सभी जगह पे पास कर देना है, ठीक है। तो एक ही जगह आप ऐड कर देंगे वो सभी जगह पे वहाँ पे वो ले लेगा अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे इंटर्शियल आईडी है, यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे भी है, इसको भी हम यहाँ से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाते हैं और यहाँ पे स्टेटस वाले पार्ट में जब स्टेटस वाला ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी ऐड शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे भी कर देना है मैन डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे भी आ जाएगा वो सब कुछ। यहाँ पे आईडी प्रोवाइड किया गया है तो आईडी के अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर लेगा। तो इसमें मेन पॉइंट मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी में आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है और सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेंज कर लेना है। तो अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट मिस हो जाएगा जिससे कि बाद में आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो को फिर से आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जाते हैं तो कोडिंग पार्ट यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मेन एक्टिविटी तक कर लिया था, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं और नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं ऐड करना है, जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी हमें आईडी यहाँ पे चेंज करना है या नहीं उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे हमें ऐड रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली लेआउट में आ जाएंगे, आरईएस वाले फाइल में, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ पे जो इसका स्प्लिट पार्ट एंड कोडिंग पार्ट दोनों पार्ट को यहाँ से चेक कर लेते हैं, जहाँ पे भी ऐड लगाना है वहाँ पे हम इसे लगा देंगे। तो
तो यहाँ पे लगा हुआ है बैनर ऐड, तो जस्ट यहाँ पे बैनर ऐड यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं बैनर ऐड आईडी को। अपने नोट पैड में जाते हैं और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है, जस्ट पेस्ट इट। और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पेस्ट हो गया। उसके बाद से बाकी सारा जो स्टेप्स है, बाकी सारा जो यहाँ पे लेआउट वाली है, तो बाकी सारा को भी हम इसे देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करके कि और कहाँ कहाँ हमें ऐड को ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक ऐड ऐड करना है ऊपर बैनर ऐड, जस्ट यहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसकी आईडी को। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। नीचे चेक कर लेते हैं, और ये इसमें भी हम देख लेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे हमें एक ऐड करना है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे ऐड हुआ है। यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही आपको सारी जितने भी लेआउट में जितने कोडिंग है सारे पार्ट को आप एक बार ऐसे ही चेक कर लेंगे, तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम रेक्टेंगल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग वो सेट कर लेगा। आपको सिंपली यहाँ पे बैनर ऐड की आईडी जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे बैनर ऐड आईडी जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है नीचे वाले में, और नीचे वाले को भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे भी बैनर ऐड को चेंज करना है, तो जस्ट यहाँ पे बैनर ऐड को वाले को रिमूव कर देंगे और अपना जो बैनर आईडी मैंने क्रिएट किया था इसको पेस्ट कर देना है। ये वाला हो गया, और उसके बाद इसको हम देख लेते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो सिंपली ये मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया कि कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको एड्स इतना ही जगह पे आपको ऐड करना था और इतना ही जगह बस चेंजिंग करना था। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ में आएंगे, वैल्यूज़ का आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि वैल्यूज वाले में कैसे चेंजिंग करना है, कैसे यहाँ पे एडिट करना है, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिए हैं कि कैसे सब कुछ करना है। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे और जितना भी चेंजिंग किया वो सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद से बिल्ड पे जाते हैं, बिल्ड एपीके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से इसका जो बिल्ड एपीके है ऐसा जनरेट हो जाएगा। आप चाहें तो सिंपली इमुलेटर में भी डाउनलोड पे रन करा सकते हैं, लेकिन इमुलेटर में प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि इमुलेटर में कोई भी व्हाट्सएप नहीं होता है जिससे कि ये वर्क करेगा प्रॉपर। इसलिए इसका हम एपीके जनरेट कर रहे हैं और इसको मोबाइल फ़ोन में हम इसे रन कराएंगे। तो यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद इसका बिल्ड एपीके जनरेट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे लोकेट पे क्लिक कर देंगे, पहला वाले से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे इसका एपीके का नेम चेंज करना है, जस्ट यहाँ पे इसका एपीके का नेम हमें यहाँ से चेंज कर देते हैं। नेम चेंज हो गया और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में रन करके एक बार चेक करते हैं। तो मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन में ले लिया है, और लेने के बाद इसको हम यहाँ से जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका स्प्लैश स्क्रीन ओपन होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ओपन करने के बाद इसको एक्सेस दे देना है, और यहाँ पे जितने भी फाइल्स होंगे आपके व्हाट्सएप में जितने भी यहाँ पे आ जाएंगे वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का है, रिसोर्स का है, वीडियोज़ हैं, जितने भी वीडियोज आपने यहाँ पे सेंड किया होगा या फिर रिसीव किया होगा व्हाट्सएप के थ्रू वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे नेम साइज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। फिर अगर कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से सिंपली रिमूव कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल, तो डॉक्यूमेंट्स फाइल जितने भी साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाएगा और नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप रीड भी कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, और यहीं से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2-in-1 फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, एक व्हाट्सएप क्लीनर का और दूसरा यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस सेवर का। तो दोनों यहाँ पे आपको फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया था अपने वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से शो हो जाएगा। फिर
आपके यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, तो वेबसाइट यहाँ से सिंपली ओपन हो जाता है। और यहाँ पे फीडबैक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, फीडबैक में मैंने अपने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, तो आप इंस्टा से यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, फीडबैक सेंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप अपना फीडबैक लेना चाहते हैं उसका यूआरएल सिंपली आपको पास कर देना है, या फिर गूगल फॉर्म भी आप क्रिएट कर सकते हैं फीडबैक के लिए, तो आप उसको भी क्रिएट करके इसका जस्ट लिंक यहाँ पे दे सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से इस एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।